हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरठ में। और आज जिस परियोजना का हम और आप काम देखने वाले हैं, इसका काम पहली बार मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरफ से स्टार्ट हो रहा है मेरठ की तरफ से और ये आगे जाने वाला है हरिद्वार तक। और इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो वो है 130 किलोमीटर का। और आज इसी 130 किलोमीटर हिस्से पे जो काम किया जा रहा है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जगह ये आता है मेरठ के अंदर और इस जगह को कहते हैं मवाना खुर्द। और इस पॉइंट से जहाँ पर ये एलिवेटेड पार्ट बनाया जा रहा है मवाना खुर्द से, हम और आप आगे की तरफ चलने वाले हैं और आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से इस परियोजना के ऊपर काम किया जा रहा है और किस तरीके से मेकाफ्री की टीम इस भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर बनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट परियोजना पे काम कर रही है, वही हम और आप मिलकर देखने वाले हैं। तो चलिए देर किस बात की, चलते हैं और देखते हैं। पार्ट आपको यहाँ पर दिखा है, इसके बाद आपको दिखेगा हाईवे का पार्ट, जिस जगह पर इस वक्त पे भी आपको टीम काम करती हुई नजर आएगी। वैसे देखो हाईवे का पार्ट है तो ज्यादा टाइम लगने वाला है नहीं, इस वजह से उस पे काम कंपनियां सबसे लास्ट में करती हैं। और वैसा ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि हाईवे के पार्ट पे ब्लैक टॉप का काम करना होता है और वो काम आसानी के साथ किया जा सकता है कंपेयर टू ये जो एलिवेटेड पार्ट इस जगह पर बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर वैसे अगर आप देखेंगे तो दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, एक जो कि मेन कैरेज में बनाया गया है जो कि आपको 3 लेन का बहुत इजीली मिल जाता है, 2 लेन का यहाँ पर सर्विस रोड है। और इन दोनों को, या फिर आपको कहूँ तो ये जो पूरा अलाइनमेंट है इसको एक्सेस कंट्रोल बनाया गया है। और एक्सेस कंट्रोल यहाँ पर ये ग्रीन पट्टी जो दी गई है इनकी मदद से बनाया गया है। ये जो अलाइनमेंट के बीच में इलेक्ट्रिसिटी के खंभे देख रहे हो तो ये हटाए जाने भाई, ऐसा मत समझना कि ये नहीं हटेंगे। ये जो काम यहाँ पर किया जा रहा है ये बहुत ही अहम परियोजना है क्योंकि मेरठ हरिद्वार, और सिर्फ हरिद्वार ही क्यों, आप इसके जरिए जो चार धाम यात्रा के लिए रोड बनाई जा रही है उस पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। यह है हाईवे का पार्ट जो कि इस वक्त बनाया जा रहा है। हाईवे के पार्ट पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही क्लियरली आपको यहाँ पर मेन कैरेज वे पे 3 लेन दिख जाएगा जो कि मिल भी जाएगा आपको ड्राइव करने के लिए। 2 लेन का यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको सर्विस रोड मिलेगा। यह है एलिवेटेड पार्ट जो कि इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो बनकर तैयार हो चुका है। और ये इसका रैंप है जो कि नीचे की तरफ जा रहा है। अब इस रैंप की भी एक खासियत है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, इनफैक्ट मैं क्यों बताऊँ, जो कंपनी यहाँ पर काम कर रही है चलिए उन्हीं से बात कर लेते हैं कि क्या है खास ये जो रैंप बनाया गया है या क्या है खास ये जो एलिवेटेड पार्ट निर्माण यहाँ पर किया गया है। तो मेरे साथ श्रीवास्तव जी हैं जो कि इस कंपनी का कारोबार देख रहे हैं, आज उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से कंपनी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है। तो सर आप बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हो ताकि जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम से कम हो सके। देखिए हमारा कंपनी का जो विजन और मिशन है वो सिर्फ इसी पे दारोमदार उसका ये है कि जो हमारा दुनिया है वर्ल्ड उसको हमें नर्चर करना है, ठीक है, विद सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब अगर ये प्रोजेक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, पुराने ज़माने से चले आ रहे थे मेथड्स जो उन पे अगर हम काम करते हैं जी, तो उसमें हमारा जो ये आप पार्ट देख रहे हो ना कंक्रीट का जी, इसकी जगह पे हमें रिटेनिंग वॉल बनानी पड़ती है। ओके, वो रिटेनिंग वॉल क्योंकि इतना आप मिट्टी देख रहे हो जिसको रिटेन करना है, उसको रिटेन करने के लिए कम से कम आधा से 1 मीटर का रिटेनिंग वॉल आपको चाहिए। उस रिटेनिंग वॉल में आपका कंक्रीट ज़्यादा लगेगा। अभी हम सबको पता है कि कंक्रीट अगर ज़्यादा लग रहा है तो सीमेंट ज़्यादा लगेगा, उसमें एग्रीगेट ज़्यादा लगेगा, तो ये दोनों चीज़ें हमारे नेचर के लिए ठीक नहीं है, भी ज़्यादा इस्तेमाल वाटर का भी ज़्यादा कंजम्पशन होगा। तो इसके लिए हमारा कंपनी जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे प्रोवाइड किया है, मैक्रस सिस्टम है हमारा फॉर वर्टिकल वॉल्स, इसमें हम ये 180 mm थिक पैनल प्रोवाइड करते हैं। ओके, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस हमारा ये जो आप रीइंफोर्समेंट देख रहे हैं जी सारा वेब, दिस इज़ ऑल्सो मेकाफेरी प्रोडक्ट।
इसमें हमारा ये सॉयल रिइंफोर्समेंट का काम करता है, जो मिट्टी और इसके बीच का घर्षण है उसमें इफेक्टिव है, वही काम है इसका। और इसके चलते अब इसका इंस्टॉलेशन अगर आप देखेंगे, जिस तरह इसको लगाया जा रहा है, जो बनाया जा रहा है, नॉर्मल रिटेनिंग वॉल में आपको जगह भी ज़्यादा लेनी होती है, इसमें आपका जगह भी आपको कम लेना पड़ेगा, तो जो एग्रीकल्चरल लैंड आपका जा रहा था वो भी बच गया, कंक्रीट कम हुआ, स्टोन कम लगा। इसके बाद जो लेबर इसमें काम कर रही है, जो काम वाले आदमी हैं, वो भी लोकल लेबर उसमें हम अरेंज करके करवाते हैं काम। उसकी वजह से जो लोकल आदमियों का रोज़गार है वो भी बढ़ता है, उनको भी काम मिलता है। और जो मटेरियल इसमें आप देख रहे हो यूज़ कर रहे हैं, लकड़ी वगैरह, ये भी सब लोकली सब अरेंज हो जाता है। सॉयल हमारा नेचुरल रिसोर्स है, ये भी लोकली अरेंज करके किया जाता है। तो आप इन शॉर्ट कहें तो वोकल फॉर लोकल को भी आप प्रमोट कर रहे हैं। या डेफिनेटली ज़्यादातर जो सामान है, जैसा कि आपने कहा, आप लोकल जो मार्केट है उससे ले रहे हैं, लोकल लोगों को यूज़ कर रहे हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट भी मिले। बिल्कुल। इसके साथ में हमारा एक ये प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं, दिस इज जियो कंपोजिट मैगजीन, इसका टेक्निकल टर्म है, ठीक है। और ये एक ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके। इसका काम होता है जो कंस्ट्रक्शन के टाइम में या उसके बाद आने वाला जो पानी का फ्लो होता है ना, जी आप देखते हैं कि पानी का फ्लो किनारे की तरफ रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पानी के फ्लो को डायरेक्ट करता है नीचे की तरफ। ओके। अगर इसकी जगह ये ना दिया जाता, कंपनी इनोवेट ना करता इसको, तो इसकी जगह आपको एग्रीगेट्स देने पड़ते हैं, जो पत्थर होते हैं वो आपको 600 mm, यानी कि जो कोडल प्रोविजन है वो है 2 feet के। आपको 600 mm 2 feet की चौड़ाई में आपको एग्रीगेट डालना पड़ता है, तो वो भी हमने रिड्यूस किया है इसको। इसमें एक और पॉइंट है जो मैं आपको ऐड ऑन करूंगा। जी। अब जैसे मैंने बताया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर पैनल के बाद एक गैप है। जी जी जी। यहाँ पे अल्टरनेट में एक पैनल आना है। जी। और हर कंक्रीट टू कंक्रीट हमारे आप कंप्लीटेड स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि एक गैप रहेगा थ्रू आउट। जी। तो इस गैप से क्या होता है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर फ्लेक्सीबल स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके। कोई भी अगर डिफरेंशियल सेटलमेंट लेटर स्टेज में आता है, इसमें आगे चल के आता है, तो वो इसको एकोमोडेट कर लेगा। okay. जो कि हमारे जो कन्वेंशनल मेथड्स थे जिसमें हम रिटेनिंग वॉल बनाते थे, उसमें ये हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी। okay. तो ये जो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है वो इसमें हमें हेल्प करता है। सिस्मिक जोन 4 में ये प्रोजेक्ट लाई करता है। okay. और उसके लिए ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर यूनिक सोल्यूशन है। okay. मतलब आप 4 कह रहे हो, मतलब डेंजर जोन में आता है ये भूकंप के। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि कब तक बना के दोगे सर इसको, कब जनता इसे इस्तेमाल कर सकती है इस रोड? मार्च का डेडलाइन हमने लिया है, मार्च 2023 का, और पूरी फोर्स के साथ इस पे काम चल रहा है। कोशिश हमारी यही है कि मार्च 23 तक इसको कंप्लीट कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे से बात करने के लिए। आप इसी तरीके से देश को बनाते रहिए और मैं इसी तरीके से आपको दिखाता रहूंगा कि किस तरीके से इस देश में कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है और किस तरीके से इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और हाँ, इस वीडियो को जरा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि पता चलना चाहिए यार इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करी है तो ये सबके पास जाना बनता है। तो चलिए हम और आप फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट, किसी नई परियोजना पे। आज के लिए तो बस इतना ही।